हे नमस्कार, मेरा नाम है निखिल। आज की वीडियो में कंपेयर करेंगे डायमेंसिटी 900 को स्नैपड्रैगन 750G से एंड पता करेंगे कौन सा ज्यादा बेटर चिपसेट है। शुरू करते हैं लॉन्च डेट से। तो यहाँ पर डायमेंसिटी 900 एक लेटेस्ट चिपसेट है। ये यहाँ पर लॉन्च हुआ है 13 मई 2021 में। फैब्रिकेशन में यहाँ पर डायमेंसिटी 900 अगेन बेटर है एंड यहाँ पर अच्छा खासा बेटरमेंट देखने को मिलता है हमें डायमेंसिटी में, बिकॉज ये यहाँ पर बेस्ड है 6nm के फैब्रिकेशन पे, जबकि यहाँ पर स्नैपड्रैगन बेस्ड है 8nm के फैब्रिकेशन पे। तो ऑफकोर्स यहाँ पर बैटरी एफिशिएंसी ज्यादा मिलने वाली है, हीटिंग यहाँ पर कम होगी डायमेंसिटी में, ऊपर से जो परफॉर्मेंस है वो भी स्लाइटली हमें बेटर देखने को मिल सकता है डायमेंसिटी 900 में। रैम के मामले से यहाँ पर दोनों ही लगभग इक्वल है, दोनों में यहाँ पर LPDDR4X एंड LPDDR5 के रैम को लगाया जा सकता है। बाकी डिपेंड करता है मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के ऊपर वो कौन सा रैम लगाना पसंद करेगी। स्टोरेज की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर डायमेंसिटी 900 बेटर निकल के आता है, बिकॉज यहाँ पर दोनों में ही UFS के स्टोरेज का सपोर्ट तो हमें मिलता ही है, बट यहाँ पर डायमेंसिटी UFS 3.1 तक सपोर्ट करता है। बात करी जाए ISP की तो यहाँ पर सिंगल कैमरा में स्नैपड्रैगन स्लाइटली बेटर है, बिकॉज यहाँ पर 192 मेगापिक्सल तक का कैमरा लगाया जा सकता है, बट ऑल राउंड यहाँ पर डायमेंसिटी बेटर निकल के आता है, बिकॉज यहाँ पर हमें ड्यूल कैमरा एंड सिंगल कैमरा है वो अच्छा खासा सपोर्टेड मिल जाता है। यहाँ पर ड्यूल कैमरा 20 मेगापिक्सल तक का लगाया जा सकता है एंड सिंगल कैमरा यहाँ पर 108 मेगापिक्सल तक का लगाया जा सकता है। ऑल्दो इतना ज्यादा मेगापिक्सल देकर मुझे नहीं पता कि क्या करने वाले हैं एंड इतना मेगापिक्सल का आप क्या यूज करोगे, बट अगर आपको लगता है कि ये वर्थ इट है एंड ये एक वैल्यूएबल चीज है तो मुझे बताइए आप कमेंट सेक्शन में आपके थॉट्स क्या है। वीडियो रिकॉर्डिंग की बात करते दोनों ही इक्वल है, यहाँ पर दोनों में ही 4K तक के वीडियो को रिकॉर्ड किया जा सकता है 30 FPS पे। डिस्प्ले में यहाँ पर दोनों अगेन इक्वल है, दोनों में Full HD प्लस तक का डिस्प्ले लगाया जा सकता है, 120 हर्ट्ज पे काम करेगा। मॉडेम में यहाँ पर दोनों ही 5G को सपोर्ट करते हैं, बट यहाँ पर जो डाउनलोडिंग स्पीड है वो स्लाइटली हमें बेटर मिलती है स्नैपड्रैगन 750G में, इसकी वजह से थोड़ा सा बेटर निकल के आता है। ऑल्दो 5G इंडिया में आया नहीं है तो इसको कंपेयर करके अब तक फायदा नहीं है, जब तक 5G आएगा तब तक स्नैपड्रैगन 750G एंड डायमेंसिटी 900 पुराने चिपसेट हो चुके होंगे। सॉरी आपको डिस्टर्ब करने के लिए, बट एक स्मॉल अनाउंसमेंट, अगर हमारा जो चैनल है वो 5000 सब्सक्राइबर वाला मार्क रीच कर जाता है तो मैं 2 ड्यूल ड्राइवर MI का जो हेडफोन है वो गिव अवे करने वाला हूँ। यहाँ पर ये रैंडमली पिक होगा, नीचे कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हो कि आपको क्यों चाहिए ये पर्टिकुलर हेडफोन। यहाँ पर ड्यूल ड्राइवर होने की वजह से काफी ज्यादा भारी बेस आता है यहाँ पे एंड काफी ज्यादा अच्छे यहाँ पर आपको म्यूजिक सुनने को मिलता है, तो जल्द से जल्दी आप सब्सक्राइब कर लीजिए एंड हो सकता है कि आपको ही वो हेडफोन मिल जाए। एंड हाँ, और एक बात कि कमेंट करना इंपॉर्टेंट है, सिर्फ सब्सक्राइब करके अगर आप चाहोगे तो मुझे पता नहीं चलेगा कि आप सब्सक्राइब किया है कि नहीं किया है। आप कमेंट करिए तो ही आप एलिजिबल होंगे, तो ही आप लाइक एक्टिव हो पाएंगे इस पर्टिकुलर चैलेंज के लिए, इस पर्टिकुलर गिव अवे के लिए। CPU की बात करी जाए तो यहाँ पर दोनों में हमें 2+6 का यहाँ पर मिलता है आर्किटेक्चर, इसका मतलब यह है कि दोनों में हमें दो क्लस्टर मिलते हैं। पहले क्लस्टर में हमें 2 कोर्स मिलते हैं, कॉर्टेक्स के A77 वाले स्नैपड्रैगन 750G में एंड कॉर्टेक्स के A78 वाले डायमेंसिटी 900 में। तो यहाँ पर पहली बात तो क्लियर हो गई कि डायमेंसिटी 900 में हमें बेटर कोर मिल रहे हैं, हमें लेटेस्ट कोर मिल रहे हैं। इवन जो क्लॉक स्पीड है वो भी 0.2 गीगाहर्ट्ज़ ज्यादा हमें मिलता है डायमेंसिटी 900 में। यहाँ पर हमें 2.4 गीगाहर्ट्ज़ की क्लॉक स्पीड मिलती है, जबकि यहाँ पर स्नैपड्रैगन 750G में हमें 2.2 गीगाहर्ट्ज़ की क्लॉक स्पीड ही मिलती है। बाकी अगर बात करते हैं एफिशिएंसी वाले कोर्स की, तो यहाँ पर एफिशिएंसी के लिए हमें 6 कोर्स दिए गए हैं कॉर्टेक्स के A55 वाले एंड अगर आप बोर हो चुके हो कॉर्टेक्स के A55 वाले कोर्स देख देख के, तो अभी कॉर्टेक्स के ही A510 कोर्स आ चुके हैं एंड कॉर्टेक्स के ही X2 कोर्स आ चुके हैं, कॉर्टेक्स के ही A710 कोर्स आ चुके हैं, सारे के सारे लेटेस्ट लाइनअप लाइक आ चुके हैं, तो वो उसके ऊपर मैंने वीडियो बना दी है, आपको आई बटन में लिंक मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन में शायद से वीडियो लाइक लिंक डाल सकता हूँ, गारंटी नहीं है, बट आई बटन में आपको लिंक जरूर से मिल जाएगा, तो जाके आप उसको चेकआउट कर सकते हैं, आपको लेटेस्ट GPU लाइनअप एंड CPU लाइनअप के बारे में आइडिया मिल जाएगा। बाकी अगर बात करते हैं कौन सा CPU बेटर है यहाँ पे, तो ऑफकोर्स डायमेंसिटी 900 का जो CPU है काफी हद तक बेटर है, छोटा मोटा गैप नहीं है, काफी बड़ा गैप देखने को मिलता है हमें CPU परफॉर्मेंस के मामले से। बात करते हैं यहाँ पर GPU की, तो यहाँ पर GPU में डायमेंसिटी 900 में हमें मिलता है ARM Mali G68MC4, यहाँ पर हमें क्वाड कोर GPU मिलता है, मतलब 4 कोर यहाँ पर दिए गए हैं। ऑन दी अदर हैंड यहाँ पर स्नैपड्रैगन में हमें मिलता है Adreno 619 GPU। ऑफकोर्स जो GPU सेक्शन है वहाँ पर अभी तक जो स्कोर है अभी तक आया नहीं है डायमेंसिटी का, बट यहाँ पर स्नैपड्रैगन GPU मार्किंग में स्कोर कर लेता है 103.4 का लाइक सेंचुरियन स्कोर। बट अगर मैं बताऊँ परफॉर्मेंस कौन सा बेटर होने वाला है, तो हैंड्स डाउन डायमेंसिटी 900 का जो परफॉर्मेंस है वो काफी हद तक बेटर होगा, बिकॉज यहाँ पर जो डायमेंसिटी 800 है जिसका सक्सेसर है डायमेंसिटी 900, उसी का GPU परफॉर्मेंस स्नैपड्रैगन 750G से बेटर है। तो आप समझ लो अगर छोटे भाई का ही बेटर है परफॉर्मेंस, तो बड़ा भाई जो कि 900 है उसका तो बेटर होना ही है। तो यहाँ पर इसका जो GPU परफॉर्मेंस है वो लगभग मुझे लगता है कि 105 से लेके 106 के आसपास का स्कोर कर लेगा, तो जितने भी गेमर्स है उनको स्नैपड्रैगन 750G की जगह डायमेंसिटी 900 प्रीफर करना चाहिए। और अगर बात करते हैं लास्ट मेरे वर्डिक्ट की, तो मेरा वर्डिक्ट यही है कि दोनों के दोनों चिपसेट काफी अच्छे हैं अपने प्राइस बकेट में। अब डिपेंड करता है कौन सा
पैसा कितने रुपए में आएगा। एंड अगर दोनों का चिपसेट आपको सेम वैल्यू में मिल रहा है, मतलब दोनों में ही आपको लगभग सेम पैसा ही देना पड़ रहा है, तो आपको डायमेंसिटी 900 प्रिफर करना चाहिए। ये मेरा ओपिनियन है। बाकी बहुत लोग होते हैं स्नैपड्रैगन के फैन होते हैं, मैं भी था एक टाइम पे, बट जब से मेरे को थोड़ा पता चला है चिपसेट के बारे में, जब से थोड़ा मैंने नॉलेज लेना चालू किया है, तब से मेरा ये जो चीज है बंद हो चुका है। मैं चीजों को परफॉर्मेंस वाइज डायमेंसिटी 900 बेटर है। एंड इतना जो बताना था, वीडियो अगर पसंद आए वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को। एंड टिल देन दिस इज निक साइनिंग ऑफ।